हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर रोज़ मछली मीट अंडा खा खाकर बोर हो चुकी हूँ, इसलिए आज एकदम निरामिष यानी कि शाकाहारी कुकिंग करके दिखाऊंगी। पपाया और आलू की एकदम सिंपल तरीके से कुकिंग करके आज दिखाऊंगी आप सभी को। तो पहले पपाया और आलू को थोड़ी सी नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी फ्राई होने के बाद अब कुकिंग के प्रोसेस में जाऊंगी। कढ़ाई गरम करके तेल दे रही हूँ। तेल गरम हो जाने के बाद उसके बाद थोड़ी सी पाँच फोड़न दूंगी। पाँच फोड़ों को खुंती से हिला दूंगी। उसके बाद एक बड़ा साइज चॉप करके प्याज दूंगी। प्याज को अच्छी तरह भून लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी तरह अब दे दूंगी बैंगन। बैंगन को थोड़ी प्याज के साथ मिक्स कर रही हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ी सी कम कर देती हूँ। अब दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची 1.5 चम्मच। 1 चम्मच दे रही हूँ हल्दी। उसके बाद सब एक साथ मिक्स करूँगी। इसी तरह मिक्स हो जाने के बाद पानी दे दूँगी थोड़ी सी। अब अच्छी तरह से बैंगन और मसाला को पकाऊँगी। पानी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए दे रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसी तरह चाटू से मिक्स कर लूँगी सब मसाला और बैंगन सब कुछ। अब दे दूँगी आलू और पपाया एक साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से घुमा फिरा कर पकाऊँगी। पानी दे रही हूँ अब थोड़ी सी, वो जो पपाया और आलू है वो थोड़ी सी कुक होने के लिए दे रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से फूट गई है। अब थोड़ी सी दे रही हूँ धनिया पाउडर, तब दुआ था, अभी भी थोड़ी सी दे रही हूँ। स्मेल बहुत अच्छी आती है धनिया पाउडर से, इसलिए। इसी तरह सब्जी मसाला बैंगन सबको मिक्स करनी पड़ेगी। उसके बाद दे दूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर। पकाते पकाते एकदम पानी सूख गई है। अब परमानेंटली कुक होने के लिए पानी दे रही हूँ। अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में ऊपर से दे रही हूँ करियंडर। अब ढक्कन दे रही हूँ 15 या 20 मिनट तक। ढक्कन खोलकर देखती हूँ, अभी भी थोड़ी सी पनी है। फिर से एक बार कुक होने के लिए ढक्कन लगा देती हूँ। अब हो गई है, रेडी है पपाया और आलू करी। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।